तो नया क्लास लेके आए हैं टेंस का, इससे पिछले क्लास में भी टेंस हम पढ़े हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था उसका पहचान ये था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर क्या रहेगा, आ है, ते हैं, ती है ना, और उसको जो बनाएंगे वो क्या था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पद फिफ्थ, यानी क्या था वर्ब का पहला रूप लगेगा या फिर वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा, वही लगाते थे। अब क्या है कि दूसरा टॉपिक हमारा है इम्परफेक्ट, इसका है नया क्लास है इम्परफेक्ट। अगर हमारे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे ग्रामर का, टेंस का, या फिर ग्रामर के और टाइप्स का, फिर 12th क्लास का जो भी क्लासेस होता है सबका आपको वीडियो मिल जाए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, क्या है टेंस और उसका टेंस जो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का प्रकार जो है दूसरा वाला टाइप्स, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ लिए, उसमें ये था कि ताते थी था, लेकिन इसमें क्या है सिंपल सा मेथड है पहचानने का प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का। सिंपल सा मेथड क्या है, आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी में पहचानेंगे और दूसरा क्या था इंग्लिश में पहचानना पड़ता है। हिंदी में पहचाने क्या रहेगा, लास्ट में लगा रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है, क्या लगा रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा, तो उसका अनुवाद किस में करेंगे, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में होगा। इसमें होगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में होगा, बात को समझो क्या कह रहे हैं। उसको इंग्लिश में क्या पहचानेंगे, इसमें क्या रहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम एम इज और आर यूज करेंगे और वर्ब के चौथे रूप का यूज करेंगे, एम इज और आर और वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे तब जाके उसका पहचान हो जाएगा। यानी कि जिस सेंटेंस में ये देखेंगे एम और इज या आर लगा हुआ है और वर्ब का चौथा रूप लगा है इंग्लिश में, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का पहचान है, यानी इसके प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में है। या हिंदी में रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है, तो उसको पहचानेंगे प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में है। आगे चलते हैं, इसका बनाने का विधि क्या, इंफ्लेक्शन क्या होता है कि आई के साथ क्या यूज करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एम यूज है, इज है और आर है, बट आई के साथ क्या यूज करना है, आई के साथ एम यूज करना है, आई के साथ क्या यूज करना है एम, और ही शी यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज यूज करना है, क्या यूज करना है इज, समझ में आया। क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई के साथ एम यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट या कोई एक नाम रहेगा इज यूज करेंगे, और बाकी जो बच रहा है हमारे पास यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर और सेकंड पर्सन या सेकंड पर्सन का प्लुरल नंबर या थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर जो बच रहा है हमारे पास उसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का में आर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे आर। तो क्या था, आई के साथ एम यूज किए, ही शी या नेम के साथ हम इज यूज करेंगे और बाकी जो बचा उसके साथ यूज करेंगे आर, और वर्ब का इसमें चौथा रूप दिया जाता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिया जाता है बिफोर, यानी कि इसमें वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे बिफोर का। आगे बढ़ते इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट रहेगा एन, उसके साथ क्या है एम इज और आर, एम इज और आर जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एम इज और आर, इसमें वी1 प्लस कौन सा रूप लगेगा आईएनजी, वी1 प्लस आईएनजी। जैसे ही बात है रहा रहे रही का, रहा रहे रही का यानी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो जा रहा है, मैं जा रहा था, आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली यूज कर देते हैं, आज समझ में, यानी रहा रहा वाला फॉर्म जो है आईएनजी में ही जाएगा। क्या है कि यहां पे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी यानी कि वी4, कौन सा वी4 और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ड रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अगर एग्जांपल ज्यादा देख लेते क्योंकि एग्जांपल से बात बहुत ज्यादा समझ में आता है, आता नहीं आता। तो टेंस यहां पे क्या था कि आइडेंटिटी कैसे करेंगे कि जिस हिंदी वाक्य में क्या रहेगा, रहा है, रहे हैं और रही है, तो जरा देखते हैं एग्जांपल में है या नहीं। चलो बढ़ते हैं एग्जांपल की,
मैं किताब लिख रहा हूँ तो क्या इसमें रहा है कि नहीं है ना, उसी तरह रमू लगा हुआ है। अब देखो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, उसमें है कि नहीं रहे, है या नहीं है। तो पहचान जिस तरह से लिखे थे यहाँ पे आइडेंटिटी, यानी किस तरह से आइडेंटिटी करना है, इस तरह से उसको पहचानना है, तो क्या मिल रहा है, रहा है, रहे, रही है, मिल रही स्ट्रक्चर वाला यूज कर सकते हैं। तो बना के देखते हैं, मैं किताब लिख रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आए। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आए के साथ किसका यूज करना है, आए के साथ किसका यूज करना है, एम का। आए के साथ क्या हो जाएगा, आई एम हो गया। अब किसका यूज करना है, वर्ब प्लस आई एन जी। तो लिखना क्या होता है, राइट, लिखना क्या होता है, तो राइट में आई एन जी को हम जोड़ देते हैं, राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, हो गया। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, किताब ना, मैं किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक, हो गया। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर ना, क्योंकि हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम लगाते हैं, बट फर्स्ट पर्सन जो प्लुरल नंबर होता है वी, तो उसे क्या लगाएंगे, आर। वी आर क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो रीड हो जाता है, रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग, यानी कि रीड में आई एन जी जोड़ देंगे, तो रीडिंग हो जाएगा। वी आर रीडिंग, क्या कर रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग ए बुक, आ गया। अब देखो चढ़ के आप, तुम, आप या तुम, तो वी नहीं, यू, क्या हो जाएगा, यू, आपका भी यू होता है और तुम का भी यू होता है, तो यू आर रीडिंग, ए इट का आई एन जी फॉर्म, रीडिंग ए मैंगो, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए क्या क्या मतलब सही लग रहा है वीडियो, नहीं ये है वो नाच रही है, थर्ड पर्सन आ जाए, शी लगेगा, शी, इसका एक साथ क्या लगाए थे, आ इज, सी इज, डांस होता है, आई एन जी फॉर्म, डांसिंग, सी इज डांसिंग, वो नाच रही, हो गया। अब ये है टास्क आप लोगों का, क्या आप लोग इसको करके बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए।